सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल बोल का, आर्क प्रामल्फियो 100x का। और आज का आर्क प्रामल्फियो 100x का जो एपिसोड है गाइस, वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जुड़े बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट ट्रस्ट या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग बना सकते हो। तो निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। और अगर अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा तो किसका इंतजार कर रहे हो गाइस, लिंक आपको इंस्टाग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो काम है वो हम लोग ने करा था, इसने ऑलमोस्ट गाइस हमारे एपिक्स गीगा का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया था, ऑलमोस्ट। बस जरा से के लिए जो ना गाइस हमारे ये वाला गीगा जो है वो रुक गया, मतलब बच गया, वरना इस गाइस एपिक्स गीगा का रिकॉर्ड जो है वो पिछले वाले एपिसोड में हमारा सेलेस्टियल वाला गीगा जो है गाइस वो तोड़ ही देता डैमेज वाला रिकॉर्ड, बट वो तोड़ नहीं पाया। लेकिन कोई सीन नहीं है, मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि हम लोग ने 200 बिलियन डैमेज देने वाले गीगा को गाइस यहाँ पे इवॉल्व करा है। सो अभी आज मैं क्या करने वाला हूँ बताए, देखो हम लोग ने काफ़ी टाइम से सिलेस्टियल वाले, डिमोनिक वाले और बफोन वाले डायनोसिट एम करे, अभी हमारे पास जो ना गाइस केओस और स्पिरिट वाले ऑर्ब भी है। सो मैं थोड़ा सा अभी देखना चाहूँगा कि मैप पे केओस एंड स्पिरिट वर्जन, मतलब केओस एंड स्पिरिट वाले कौन कौन से डायनो जो है वो यहाँ पे स्पॉन हुए, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल वाला डायनो मैप पे अवेलेबल होगा उसको टेम करने का काम हम आज करेंगे। सो देखते चलो गाइस कि आज हमारे जो ना गाइस नसीब में कौन सा डायनो लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं स्पिरिट वाले डायनो को यहाँ पे सर्च करूंगा, ठीक है। स्पिरिट वाला कौन सा डायनो है भाई, स्पिरिट जायंट भी नहीं यार, 400 लेवल का टेम नहीं करूंगा मैं, 750। ओ मां को तुरुला, 750 लेवल का स्पिरिट ग्रिफिन, लेट्स गो। किसको लेके जाऊं, रुडोल्फ, मजाक हो रहा है गाइस, ग्रिफिन आपको बताइए भाई, सब फ्लायर में ग्रिफिन मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, और स्पिरिट वाला मैक्स लेवल का ग्रिफिन भाई। ओ ऑर्ब वगैरह ले लिए मैंने, रुक जाओ, मजाक हो रहा है क्या, ऑर्ब 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 है मेरे पास, चलो 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 लेट्स गो भाई, 750 लेवल का स्पिरिट ग्रिफिन, मजाक हो रहा है क्या भाई, और ये कहाँ पे है, ये स्पाइनो वैली में घूम रहा है भाई, स्पाइनो वैली में क्या कर रहा भाई तू, भाई जो भी कर रहा हूँ मेरे को क्या, मेरे को तो बस फटाक से जाके, अबे यार यहाँ पे केओस वाला कहाँ पे, वो जमन ग्रिफिन ये रहा, इसको मेरे पीछे बुलाना पड़ेगा, ए जमीन पे बैठा हुआ है, वो जमीन पे बैठा हुआ है, ठीक है पीछा कर रहा भाई, भागो, डॉज 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 अटैक डॉज अटैक डॉज, जिगल जिगल दे 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 जिगल, मेरे को मरना नहीं है भाई, जिगल दे जिगल दे जिगल दे जिगल दे जिगल, या जिगल भाई जिगल दूंगा मैं एकदम खतरनाक, ओह शिट, बचो बच जाओ, चढ़ गया, ओ भाई पीछा कर कर के आ गया यार ये तो, बच गया लेकिन मैं भाई, दो जो जिगल दिया मैंने भाई, भाई जो जिगल दिया मैंने भाई, दे जिगल करके इसके अटैक से बच गया मैं, फटाफट से अभी इसके अंदर ऑर्ब डाल दूं मैं, मेरा पीछा कर रहा था भाई ये, रुक जाओ इसके अंदर स्पिरिट वाला ऑर्ब डाल दूं, ये हमारा वैसे फर्स्ट स्पिरिट आइनो होगा ना शायद से, ये हमारा फर्स्ट स्पिरिट आइनो है भाई, इससे पहले मैंने कोई भी स्पिरिट आइनो टेम नहीं करा, और करा तो करा मैंने, सीधा गाइस यहां पे टेम करा गाइस स्पिरिट वाला ग्रिफिन, वो भी 750 लेवल का, मजे ही मजे बॉयज। चलो मैं अभी इसको घर पे लेके जाता हूँ, ये मेरा जो ना गाइस सबसे फेवरेट डायनो है, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसको क्रायो कर लूँ, इसका लोकेशन वाला मार्क जो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, नहीं हटा, रुको मैं हटा देता हूँ, मैं जो लोकेशन वाला मार्क ऊपर दिख रहा है ना उसको सबसे पहले हटा देता हूँ फटाफट से। एंड अभी हम लोग यहाँ पे स्पिरिट वाले ग्रिफिन का जो सैडल है वो यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ग्रिफिन स्पिरिट ग्रिफिन का सैडल चाहिए मुझे, केओस नहीं भाई स्पिरिट, ये रहा स्पिरिट ग्रिफिन का सैडल, अगर मुझे केओस वाला ग्रिफिन मिल गया ना
तो भी मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊँगा वैसे। चलो मुझे ओरिजिन वाले जो गाइज यहाँ पे सारे के सारे ट्रिब्यूट वगैरह है वो यहाँ पे भर के रखने दो। और क्या चीज़ है भाई, ये सैडल वगैरह, ये सैडल फालतू में मेरे पास आया है, ये भी रखने दो, ये लेने दो यार। ये अंडा चलो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे हैच करने के लिए, ठीक है। एक्टिवेट, हैच हो रहा है, अंडा हो रहा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ग्रिफिन का सैडल जो है गाइज वो भी ले लिया है यहाँ पे। एंड मेरा ग्रिफिन कहाँ पे, रोडोल, और ये रहा गाइज मेरा स्पिरिट ग्रिफिन। ओ भाई लेट्स गो बॉय, स्पिरिट है गाइज, इसलिए भाई ठीक से दिखाई नहीं देगा आपको। और नीचे उतर के दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखना, ये रहा गाइज हमारा स्पिरिट वाला ग्रिफिन। ये एक तरह का भूत है, घोस्ट है, इसलिए इसका लुक जो है ना गाइज वो दिन में उजाले में उतने अच्छे से दिखाई नहीं देता। ये रात में जो है ना गाइज एकदम ग्लो करता है, काफ़ी ओपी दिखता है, बट दिन में जो है ना गाइज उतना खास कुछ दिखता नहीं है। बाकी आप देख सकते हो गाइज इसके अंदर की जो ना गाइज एक एक हड्डी पसली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये है गाइज इसका गाइज काफ़ी ओपी वाला लुक। और आप लोग ने डायरेक्टली स्पिरिट वाला ग्रिफिन टेम करा यार, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा भाई कि हमने स्पिरिट ग्रिफिन टेम करा, वो भी इतने ज़्यादा जल्दी। चलो आ जाओ, हमारा फर्स्ट स्पिरिट है ना। और एक और ये काम करता है, अगर हम इनको डायनोस के बीच में रखें ना, ये देखो ये से चांद सितारे वाला कोई तो इफेक्ट देता ही है। ये इफेक्ट किस काम आता है पता नहीं, ये देखना, ये देख रहे हो गाइस, ऐसे कुछ तो ये स्टार वाला इफेक्ट देता है ये स्पिरिट वाला भाई ग्रिफिन, पता नहीं भाई इफेक्ट से क्या होता है बट ये देता है कुछ तो इफेक्ट। चलो आ जाओ अब इसको लेके चलते हैं और थोड़ा सा तबाही मचाते हैं। इसके अटैक बस ग्लिच ना हो वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि मेरा फेवरेट डायनो है भाई। माइनस में कितना, 25 मिलियन डैमेज जा रहा है, माइनस नहीं जा रहा। डेथ वॉर्म यहाँ क्या कर रही है, डेथ वॉर्म तू यहाँ क्या कर रही है भाई, तू तो डेजर्ट में होती है, ये डेथ वॉर्म यहाँ पे क्या करने आई थी, क्रीपर में बेचारी मारी गई। ओ चलो मैं आपको पहले भाई इसके अटैक्स मूव्स जो भी है गाइस वो सारे दिखा दूँ। आपने इसका लुक जो है गाइस वो तो देख लिया, अभी मैं आपको इसके अटैक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये रहा गाइस हमारा, ये रहा हमारा स्पिरिट वाला ग्रिफिन। इसके पास नॉर्मल पंजे मारने वाला एक अटैक है, राइट क्लिक पे, लेफ्ट क्लिक पे अपने मुंह से स्पिरिट फायर और लाइटनिंग एक साथ छोड़ने का काम करता है व्हाइट कलर की। सी पे कोई अटैक नहीं है, एक्स पे इसका मेन अटैक है स्पिरिट बम वाला, ये जो अटैक है गाइस ये इसका मेन अटैक है। अभी मैं जो शाइन ऑन को निकालने दो बाहर, ठीक है, मैं अपने अल्फा शाइन ऑन को, यार मेरे अल्फा शाइन ऑन तो भाई सैकड़ों बार मरती रहती है, रुको मैं घर से भाई अल्फा शाइन ऑन को लेके आता हूँ। और गाइस इसके पास सिर्फ 3 अटैक है, बाइट अटैक, फायर अटैक और स्पिरिट बम वाला अटैक। उसके अलावा और कोई अटैक जो है गाइस हमारे उस प्यारे से ग्रिफिन के पास है नहीं, शाइन ऑन अल्फा, ठीक है। ये तो बेचारी जो है गाइस बहुत ज़्यादा मरती रहती है, और कितनी भी बार मरे ही है, इसको जो ना गाइस हम लोग रिवाइव कर करके जो ना गाइस यहाँ पे अपने कंधे पर लगा के रखेंगे, रिवाइव कर करके। चलो अभी मैं फटाफट से जा रहा हूँ, और अपना जो ग्रिफिन है गाइस मैं इसके आपको तीनों अटैक जो है ना वापस से दिखाता हूँ, बाइट अटैक, फायर अटैक और गाइस ये स्पिरिट, ये जो अटैक्स है वो हमारे यहाँ पे तारे से नन्हे से मुन्ने से इस ग्रिफिन के पास है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अटैक जो है ना गाइज ये अटैक्स हैं, और इनका डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला यहाँ पे जाएगा, बट बस इसके अटैक जो है ना वो ग्लिच ना हो, अगर ग्लिच हुए ना तो भाई दिमाग घूम जाएगा मेरा। अभी स्पिरिट बम वाले अटैक का कितना डैमेज जा रहा है, 20 मिलियन, नॉट दैट बैड, 20 मिलियन का डैमेज गाइज दे रहा है, उतना भी बुरा नहीं है। चलो मैं अभी इसके फटाफट से लेवल अप कर लेता हूँ, आई थिंक से 100 बिलियन इनफ रहेगी गाइज इसकी हेल्थ, बाकी के बचे हुए जो पॉइंट है वो मैं इसके मिली डैमेज में डाल रहा हूँ। 100 बिलियन हेल्थ जो है गाइज वो मेरे हिसाब से इनफ है, मैं दबा के गाइज इसके मिली डैमेज में अभी यहाँ पे पॉइंट डाल रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको अभी मुझे इम्प्रिंट भी करना है यहाँ पे, सो मैं फटाफट से यहाँ पे इसको इम्प्रिंट भी कर लेता हूँ, रुको मैं अभी इसके अंदर गाइज डाल रहा हूँ इम्प्रिंटिंग वाला हमारा पोशन। अरे यार मेरे इम्प्रिंटिंग पोशन खत्म है, बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया गाइस हमारा स्पिरिट वाला ग्रिफिन इम्प्रिंट। अगर इसकी हेल्थ की बात करें तो इसकी हेल्थ हो चुकी है 134 बिलियन, बट गाइस क्या इसके अटैक जो है गाइस वो स्टिल वर्क कर रहे, वही मुझे देखना है, रुकना मैं पहले तो नॉर्मल बाइट अटैक देख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस में डैमेज जा रहा है गाइस नॉर्मल बाइट अटैक का भी, लेट्स गो। ओके ठीक है, इसका जो यहाँ पे अटैक है फायर वाला उसका माइनस, अबे यार
इसका फायर अटैक भी ग्लिच कर दिया है, इसका फायर अटैक वर्क नहीं कर रहा है, इतना ओपी वाला है। देखो, देख रहे हो कितना ज्यादा मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ इसके फायर अटैक से, बट इसका फायर अटैक ग्लिच कर दिया है इस गेम ने, इसलिए वर्क नहीं कर रहा। इसका स्पिरिट बम वाला अटैक अगर ग्लिच हुआ ना तो सच में मेरा दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट डायनो है। ठीक है, इसका अटैक ग्लिच नहीं होना चाहिए, मैं डाल रहा हूँ अभी स्पिरिट बम, लेट्स गो। माइनस में डैमेज जा रहा है, वो देखो माइनस में डैमेज, देख रहे हो 3500 डैमेज जो शो कर रहा है उसके पीछे माइनस में डैमेज जा रहा है। ठीक है, छोटू छोटू नंबर में माइनस में डैमेज शो कर रहा है, मतलब इसका बस एक ही अटैक भाई यहाँ पे ग्लिच करा गया है, जो कि है गाइस यहाँ पे फायर अटैक। इसका स्पेशल अटैक वर्क कर रहा है, इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और एक और चीज आपको मैं दिखा दूँ, ये जो हमारा ग्रिफिन है इसके डाइव बॉम्ब वाला अटैक कितना गंदा डैमेज देता है ना भाई, सीधा बैट बजा देगा। रुको, मैं आपको इसके डाइव बॉम्ब वाले अटैक का और नॉर्मल वाले अटैक का डैमेज यहाँ पे दिखा देता हूँ अच्छे से। तो हमने एक स्पाइनो स्पॉन करा है यहाँ पे, अगर इसके ऊपर मैं नॉर्मल अटैक दूँ तो मेरा नॉर्मल अटैक भी कितना जा रहा है भाई, 60 बिलियन मेरा नॉर्मल अटैक जा रहा है, इसके ऊपर 6 बिलियन जा रहा है, मतलब 90% डैमेज रिडक्शन अगर हटा दे तो 60 बिलियन नॉर्मल अटैक है। अभी डाइव बॉम्ब देखना, 38 बिलियन गाइस इसकी हेल्थ है, बट से 29, मतलब लगभग 100 बिलियन, लगभग 100 बिलियन डैमेज गाइस जा रहा है। ले बेटा, पट से डाइव बॉम्ब का मेरा जो है ना गाइस डैमेज जा रहा है यहां पे लगभग 9 से 10 बिलियन के बीच में। अभी देखो 8 बिलियन हेल्थ है, एक फटके में मरेगा ये, पट से गेम ओवर हो गया भाई। मैं भी भाई नीचे गिर गया, हमारा ग्रिफिन अबे ग्रिफिन ये कौन, अच्छा वांडरिंग लूट बॉस, तब मैं बोलूं मेरे को मारा किसने, मुझे दिखाई नहीं, लूट बॉस मार के चला गया। चलो कोई ना, मेरा ग्रिफिन उसकी बैंड बजा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ग्रिफिन का जो गाइस डाइव बॉम्ब वाला अटैक है वो 100 बिलियन डैमेज दे रहा है, नॉर्मल अटैक जो है वो 60-70 बिलियन का डैमेज दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलो आ जाओ अभी फटाफट से चलते ग्रिफिन के पास। कपड़े पहन लूंगा, ऑटोमेटिकली पहन दिया भाई, एकदम फुल फ्लैश की स्पीड में उड़ के जाएंगे हम। वॉन्ड्रिंग लूट बॉस की बैंड तो अभी तक मेरे ग्रिफिन ने बजा दी होगी ऐसा मुझे लग रहा है, अगर नहीं बजाई होगी तो मैं वापस से मर जाऊंगा एक बार, मुझे लग रहा है कि मार दिया होगा वॉन्ड्रिंग लूट बॉस को हमारे प्यारे से ग्रिफिन ने। फुल स्पीड में जा रहा होगा इसमें दौड़े दौड़े, वॉन्ड्रिंग लूट बॉस ने मारा कहाँ से मुझे, मारा तो और पानी के अंदर है भाई, अब तक जिंदा है ब्रो, जिंदा है। फॉलो 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 द लीडर, कम ऑन कम ऑन ग्रिफिन, आ जा। आ भाई किधर है वॉन्डरिंग लूट बॉस, ये किसको डैमेज दे रहा है, मेरी शाइनॉन को मारेगा, चमन मेरी शाइनॉन को मारेगा, इतना ज्यादा बड़ा हो गया क्या शाइनॉन, इधर आ जा भाई, इधर आ जा बहन, बहन इधर आ जा, कोई ना मैं तेरे को लेके जा रहा हूं ना, कोई ना नहीं मारा ज्यादा, जिंदा या मर गई। पिकअप, अबे पिकअप का ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन टट्टी करे जा रही है ना, ये कौन है भाई, फालतू में मारे जा रहे भाई, कुछ करा भी नहीं है मैंने, फालतू में फेबल्ड वाला ट्राइगा के मार के चला गया, मैंने तो उसको कुछ करा भी नहीं था, मैं शाइन उनको बचा रहा था मेरे बेस की। रुक जाओ भाई रुक जाओ गाइस, कुछ ज्यादा हीरो बन रहे लोग, इनको जीरो बना देता हूँ अभी भाई। ग्रिफिन से एक एक की बैंड ना बजा के रख दी ना मैंने, तो देख लेना गाइस उसको पूरा समंदर खाली कर दूंगा अभी, पूरा समंदर खाली कर दूंगा भाई, बोध हो गया भाई, बोध अकेले चुपचाप पूरा समंदर ना खाली कर दिया ना, तो देख लेना भाई। मेरी शाइनॉन को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ बेचारी को भाई, वो फायर अटैक से मार दिया वो लूट बॉस ने, और ये लोग जो है ना कि जाके बीच बीच में उंगली कर रहा है मेरे को, जिंदा नहीं बचेंगे ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे भाई। रुको रुक जाओ भाई रुक जाओ भाई, ग्रिफिन इधर आ, चमन ग्रिफिन इधर आ, कम टू डैडी, इधर आना मेरी जान, आ जा इधर आ जा। कैसा चमन ग्रिफिन है यार, आने का नाम ना ले रहा, इसको उठा लूँ मैं, हाँ उठा लिया, चलो अपनी शाइनॉन को तो बचा लिया है, इधर आ, हाँ चलो आ जा, पूरा समंदर खाली करना बेस की, रुको पूरे समंदर को खाली कर दूंगा मैं, मजाक समझ रखाएगा मेरे को, लाड में हमला करने आ रहे, पूरे समंदर में स्पिरिट बम डालूंगा, डालो और स्पिरिट बम भाई, ये लो समंदर का नामो निशान मिटा दूंगा मैं, यहाँ पे एक भी जो ना कि समंदर में क्रीचर जिंदा नहीं बचेगा, पूरे समंदर में स्पिरिट बम डालूंगा, ये, ये, ये,
ऊपर हमला करेंगे। रुको रुको रुक जाओ गाइस, यहाँ पे भी यहाँ पे ये लो सबकी बेड़ी बना दी। डॉल्फिन मांटा वगैरह रुक जाओ, इनको भी मारूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरे समंदर को जो है ना गाइस खाली कर दूंगा मैं स्पिरिट बम डाल के। लेट्स गो। ओ यस, कछुआ वगैरह बचा हुआ है, एक हाथ डॉल्फिन बची हुई है, बाकी सारा समंदर जाएगा जो खाली हो चुका है। अपन से जो टकराएगा गाइस चूर चूर हो जाएगा भाई। बाकी अपनी शाइनॉन जो है ना गाइस, रुकना, उसको बेचारे को हीलिंग पोशन पिलाने दो यार। किधर है, मैं कर रही है बेचारी। कोई ना बकरी, कोई ना, ये ले कुछ डन। कोई तेरे को टच नहीं करेगा, ठीक है। तेरे को मैं हंगर पोशन भी खिला के रख देता हूँ, ठीक है शाइनॉन। चलो आ जाओ, बैठ जा मेरे कंधे पे मेरी क्यूटी पाई शाइनॉन। चलो आ जाओ अभी भाई, स्पिरिट ग्रिफिन से थोड़ी और दबाई मचाते यहाँ पे। सो आपने देखा ही गई यहाँ पे कि हमारा स्पिरिट ग्रिफिन क्या क्या कर सकता है। इसका डैमेज जो है गाइस वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अभी मैं जो ना गाइस, ओए मारे होते हुए कौन सा स्पिरिट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कौन सा स्पिरिट आ गया है? ओ सिलेस्टियल फिरॉक्स है, फिरॉक्स स्पिरिट है। दिया गाइस डोज, दे दिया उसको डोज, दे दिया, मर गया होगा। अभी देखो मर गया होगा। अभी मैं यहाँ पे सारे ओरिजिन को बुला के आपको हमारे स्पिरिट ग्रिफिन का जलवा दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। सारे ओरिजिन को 1 2 3 4 5 6 7 8 और हम लोग बस यार मेरे बम थोड़े से इधर उधर निकल गए भाई, माइनस में डैमेज डील कर रहा भाई। खत्म क्या सब, जिंदा बचा है कोई? हाँ स्पाइनो भाग गया था, वो जिंदा बच गया। भाई साहब भाई स्पिरिट बम डाल के इजीली उड़ा पा रहा हूँ भाई, मैं इजीली उड़ा पा रहा हूँ। बॉसेस की तो कोई इज्जत ही नहीं रही है अभी। गाइस एक काम करता हूँ, अभी देखो अभी तेरे भाई का जलवा देता हूँ। तीन बॉसेस को एक साथ बुलाया, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, नो खत्म। तीनों बॉसेस की पेटी गाइस, तीन बॉस, डिमोनिक रिपर, इंडोमेस रेक्स और नुवादा डिस्ट्रॉयर। मैंने तीन बॉसेस को बुलाया था, मैंने एक स्पिरिट बम डाला एक, और एक स्पिरिट बम में तीनों के तीनों बॉसेस का गेम ओवर, गेम ओवर सीधा। देख रहा हूँ उसका अंडा पड़ा हुआ है अभी यहाँ पे, बेचारे की पेटी जो है ना गाइस वो हवा में आते आते ही बन गई लग रहा है मेरे को तो। देख रहे हो गाइस ये रहा उसका अंडा, चलो मैं उसका अंडा उठा लेता हूँ। क्या मार रहा है भाई ग्रिफिन, भाई ग्रिफिन जो है गाइस वो काफी पावरफुल है। आज से जो है गाइस हम लोग इसको ही लेके इधर उधर जाएंगे, मेरे को काफी ज्यादा पसंद आ गया हमारा ये ग्रिफिन। इसको लेके ही जो है गाइस एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे हम लोग। रुको जो चीजें मिली है वो मुझे फटाफट से यहाँ पे ट्रांसफर करने दो, काफी ओपी ओपी वाली चीजें मिली है वो सारी यहाँ पे। ओ सिलेस्ट्रियल वाला जूता एक और मिल गया, नहीं चाहिए भाई मेरे पास एक जो है वो इनफ है मेरे लिए अभी फिलहाल के लिए तो जूता। चलो आ जाओ लेट्स गो, चलते अभी घर पे। गाइस आपका हमारा स्पिरिट वाला ग्रिफिन कैसे लग रहा है जरूर बता दो, और इसके लिए नाम भी दे देना यार ओपी वाले, मुझे इस भाई ग्रिफिन को नाम देना है भाई खतरनाक सा। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अभी गाइस जो हम लोग ने चीज़ें यहाँ पे इक्का डबल करने के लिए डाली थी वो कितनी बन चुकी है, वापस से एक बार मैं जरा यहाँ पे चिक आउट कर लूँ, इतनी इनफ होगी क्या? चल से इतनी इनफ होगी, मैं इसको अभी यहाँ पे डाल के रख देता हूँ, ठीक है यहाँ पे डाल के रख देते हैं। और साथ में मैं अभी यहाँ पे हार्ड बना लेता हूँ, सर्वो चाहिए, सर्वो ये वाला सर्वो है, बनाओ सर्वो भाई, सर्वो बनाओ, सर्वो को एक का डबल करने के लिए डालेंगे अभी गाइस, ठीक है। ये जो सर्वो है इसको हम लोग यहाँ पे एक का डबल करने के लिए डाल देंगे। टर्न ऑफ है ये, हाँ इसको वापस से यहाँ पे डाल के टर्न ऑन कर देते हैं। बाकी ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे फेंक देते हैं, अंडे को भी फेंकते हैं, अंडा तो भाई आपसे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको गाइस यहाँ पे एक का डबल होने दो, बाकी जो ओरिजिन वाले गाइस ट्रिब्यूट वगैरह पड़े हुए हैं वो सारे मैं यहाँ पे अंदर डाल देता हूँ। ओके ओरिजिन वाला ब्लड कुछ ज़्यादा है गाइस यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास, रुक जाओ गाइस मैं नारकोटिक उसकी बनाता हूँ। 38 टोटल आरो जो है गाइस वो ओरिजिन वाले हमारे पास होगी। बाकी मेरे पास जो ना गाइस फालतू के कुछ सैडल्स वगैरह भी पड़े हुए हैं वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रुक जाओ। देखो सैडल वगैरह काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, अभी यहाँ पे हम एरो बनाएंगे गाइस ओरिजिन वाली, लगभग 38 हमको ओरिजिन एरो की जो ना गाइस कभी भी अभी कमी नहीं पड़ने वाली है। ये पॉटी जो है गाइस जिसको मैं फेंक देता हूँ
एंड एरोस टोटल 66 हो चुके हैं मेरे पास ओरिजिन वाले। सो गाइस बताइए आपको गाइस हमारा ये जो स्पिरिट वाला ग्रिफिन है ये कैसे लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी तो आज का जो हमारा एपिसोड है प्रैमुल पेरेंट्रेडिक्स का वो हो जाता है ये पे खत्म। मिलते सीधा के जब से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारा इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get